तो बस बजट पेश होने वाला ही है और रुक कर लेते हैं सीधे लोकसभा का। इट इज पेनफुल टू मी फॉर मूविंग ए प्रिविलेज मोशन ऑन दिस डे अगेंस्ट द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी। आई हैव रिसीव्ड नोटिस और हर रिप्लाई ऑन फेब्रुवरी प्रिविलेज डेटेड 26 फेब्रुवरी एंड 29 फेब्रुवरी अगेंस्ट Union HRD Minister, the matter is under my consideration. Please, now. Now the budget. Mr. Minister, to present the budget. It is under my consideration. Madam Speaker, I rise to present a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 2016-17. This is never done. This is never done, Madam. Finance Minister has covered his budget speech. This is never done. Very cheap politics. This is never done. Let him bring some citizens and take them in the house. The budget, on budget also, they want to have score political points. Nothing can go on record. Madam, I request you, nothing can go on record. Please. I have already said that I have received notices of question of privilege dated 26th and 29th February respectively against Srimati Smriti Irani ji. Na mana chahiye na? Yes. But the matter is under my consideration. That is the thing. No, now nothing. Have some respect for the parliamentary system. This is not the way. Madam Speaker, I rise to present the budget for the year 2016-17. I am presenting this budget when the global economy is in a serious crisis. Global growth has slowed down from 3.4% in 2014 to 3.1% in 2015. Financial markets have been battered and global trade has contracted. Amidst all these global headwinds, the Indian economy has held its ground firmly. Thanks to our inherent strength and the policies of the government, a lot of confidence and hope continues to be built around India. The International Monetary Fund has hailed India as the bright spot amidst a slowing global economy. The World Economic Forum has said that India's growth is extraordinarily high. We accomplished this despite unfavorable conditions and despite the fact that we inherited an economy के बावजूद हासिल की है कि हमें विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली थी जिसमें विकास कम, महंगाई अधिक और सरकार की शासन करने की सामर्थ्य में निवेशक का विश्वास शून्य था। जब हार के दीप पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौर मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको किन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। Let us look at our... आइए पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षों की तुलना में जब विकास दर घटकर 6.3% रह गई थी अब हम अपनी उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अब बढ़कर 7.6% हो गई है। ऐसा पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षों के दौरान विश्व निर्यातों में हुई 7.7% की वृद्धि की तुलना में वैश्विक निर्यातों में 4.4% की कमी होने के बावजूद हुआ।
पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी मुद्रास्फीति 9.4% के स्तर पर थी। हमारी सरकार के कार्यकाल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी मुद्रास्फीति कम होकर 5.4% हो गई, जिससे लोगों को बड़ी राहत हुई। यह उपलब्धि पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षों के दौरान हुई सामान्य वृद्धि की तुलना में लगातार दो वर्षों की तुलना में 13% की कमी के बावजूद हुई। हमारी वैश्विक स्थिति मजबूत है। चालू खाता घाटा जो पिछले वर्ष के पूर्वार्ध में 18.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था, वह इस वर्ष घटकर 14.4% है। अनुमान है कि यह 1.4% रह जाएगा इस वर्ष के अंत तक। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। पिछले 21 महीनों में हमारे द्वारा किए गए उपायों से अर्थव्यवस्था न केवल अधिक तीव्र विकास पथ पर स्थापित हुई, बल्कि इनके जरिए पिछली सरकार द्वारा सृजित विकास में मौजूदा कमी को भी पार किया। हमें कठिन वैश्विक माहौल, प्रतिकूल मौसमी स्थितियों और बाधाकारी वातावरण में काम करना पड़ रहा है। महोदय, परिबलों से ने परेशान किया है। वी बिलीव, हमारा विश्वास इस सिद्धांत में है कि सरकार के पास जो पैसा है वह जनता का है, और हमारा यह परम कर्तव्य है कि वह हम अपने लोगों, विशेषकर निर्धन और दलितों के कल्याण के लिए विवेक और समझदारी से खर्च करें। हमने 2015-16 में संशोधित अनुमान स्तर के पर अपने आयोजना व्यय में बढ़ोतरी की है, जबकि आम परिपाटी में इसे कम करने की है। हमने ऐसा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारने के बावजूद किया, जिनसे राज्यों को किए जाने वाले अंतरणों में 55% की वृद्धि हुई है। अब हमें भविष्य की ओर देखना है। वैश्विक स्तर पर और अधिक मंदी और खलबली मचने के जोखिम बढ़ते जा रहे हैं। इससे भारत के लिए आर्थिक प्रबंधन का कार्य पेचीदा हो रहा है। इस स्थिति में हम पर तीन गंभीर प्रयास पड़ेंगे। पहला, हमें बृहद आर्थिक स्थिरता और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करके इन जोखिमों से अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। दूसरा, चूंकि विदेशी बाजार कमजोर है, इसलिए हमें घरेलू मांग और भारतीय बाजारों पर निर्भर रहना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत का विकास धीमा ना हो। और तीसरा, हमें आर्थिक सुधारों और नीतिगत उपायों की रफ्तार बनाए रखनी होगी। हम इन चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं। वित्त वर्ष 2015-16 और 16-17 सरकारी व्यय के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं और रहेंगे। 14वें वित्त आयोग ने करों में केंद्र का हिस्सा 68% से घटाकर 58% कर दिया है। वित्त वर्ष 15-16 में हम करों में केंद्र के हिस्से में की गई बड़ी कटौती के बावजूद राजस्व उछाल के कारण बजटीय व्यय में सुधार करने में समर्थ हुए। अगले वित्त वर्ष 16-17 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और रक्षा कर्मियों के लिए एक रैंक एक पेंशन के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, इसलिए सरकार को अपने व्यय में प्राथमिकता तय करनी होगी। हमारी इच्छा है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र में किए जाने वाले व्यय में वृद्धि की जाए, और बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की प्रारित करना, शोधन अक्षमता और दिवालियापन कानून तथा संसद के समक्ष लंबित अन्य सुधार उपायों को पारित करना सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैं आगे जाकर खुलासा करूंगा, हम महत्वपूर्ण सुधार शुरू करेंगे, जैसा कि एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जो यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिए जाएं जो उनके पात्र हैं। ऐसा आधार मंच को सांविधिक समर्थन देकर किया जाएगा। परिवहन क्षेत्र से संबंधित विधायी ढांचे में बड़े परिवर्तन करना, ताकि उसे बाधाओं और प्रतिबंधों से मुक्त किया जा सके। विपणन संबंधी नपे तुली स्वतंत्रता देकर गैस की खोज और अन्वेषण को प्रोत्साहन करना। वित्तीय फर्मों की समस्याओं के समाधान से निपटने के लिए व्यापक कानून बनाना। सरकारी निजी भागीदारी की परियोजना और जन उपयोगी सेवाओं से जुड़ी संविदाओं में विवाद के समाधान के लिए कानूनी ढांचे की व्यवस्था करना। बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करना और साधारण बीमा कंपनियों की पब्लिक लिस्टिंग आदि महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अगले वर्ष के लिए हमारा महत्वपूर्ण एजेंडा इस दिशा में ट्रांसफॉर्म इंडिया का है। इसलिए मेरे बजट में 9 विशिष्ट स्तंभों पर विशेष एजेंडे पर टिके हैं। पहला है कृषि और किसान कल्याण। किसानों की आय को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने पर ध्यान दिया जाएगा।
दूसरा ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण रोजगार और अवसंरचना पर बल दिया जाएगा। तीसरा सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य देखरेख सहित सभी को कल्याण और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में शामिल करना। शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन, भारत को ज्ञान आधारित और उत्पादनकारी समाज बनाना। अवसंरचना और निवेश, पांचवा कार्य दक्षता और जीवन स्तर में सुधार करना। छठा वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता और स्थिरता लाना। सात अभिशासन और कारोबार करने में आसानी, लोगों को अपनी पूर्ण क्षमता साकार करने में समर्थ करना। आठ राजकोषीय अनुशासन, सरकारी वित्त साधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन और जरूरतमंद लोगों को लाभों की सुपुर्दगी। और दस कर संबंधी सुधार, नागरिकों में विश्वास करके अनुपालन के बोझ को कम करना। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में मैं विशिष्ट नीतिगत उपाय रेखांकित करूंगा जिनका हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे नागरिकों के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। कृषि और किसान कल्याण, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सबसे पहले मैं कृषि और किसान कल्याण की बात करता हूं। हम अपने किसानों के प्रति आभारी हैं कि वे हमारे देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। हमें खाद्य सुरक्षा से आगे सोचना होगा और अपने किसानों को आय सुरक्षा देनी होगी। इसलिए सरकार खेत और खेत से इतर क्षेत्रों में अपनी दखल कार्रवाई की दिशा बदलेगी ताकि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए। कृषि और किसान कल्याण के लिए हमारा कुल आवंटन 35,984 करोड़ रुपए है। हमें अपने जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग करने, सिंचाई के लिए नई अवसंरचना निर्मित करने, उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से मृदा की उर्वरता बनाए रखने और मूल्य वर्धन प्रदान करने एवं खेत से बाजार तक संपर्क से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। देश में 141 मिलियन हेक्टेयर निवल जोत क्षेत्र में से केवल 46% क्षेत्र की सिंचाई होती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सुदृढ़ किया गया है और इसे मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। इस स्कीम के तहत 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। AIBP के तहत जिन 89 सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन लंबे समय से पिछड़ रहा है उसमें तेजी लाई जाएगी। इससे 80.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने में सहायता मिलेगी। इन परियोजनाओं के लिए अगले साल 17,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और अगले 5 वर्षों में 86,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इनमें से 23 परियोजनाएं 31 मार्च 2017 से पहले पूरी कर ली जाएं। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की आरंभिक कॉर्पस निधि से नबार्ड में एक समर्पित दीर्घ अवधि सिंचाई निधि बनाई जाएगी। ये सब हासिल करने के लिए 2016-17 में बजटीय सहायता और बुजार्स उधारों के जरिए कुल 12,517 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर संपोषणीय भू जल संसाधन प्रबंधन का एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसके लिए बहुपक्षीय निधियन का प्रस्ताव है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कम से कम 5 लाख फार्म, तालाबों और कुओं तथा जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10 लाख कंपोस्ट गड्ढों का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत आवंटनों का लाभ कर उपयोग करके किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का अब अधिक उत्साह के साथ कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके जरिए किसान मृदा के पोषक स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और वे उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ जोतों को शामिल करने का लक्ष्य है। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता संबंधी राष्ट्रीय परियोजना होती हेतु 368 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उर्वरक कंपनियों के 2000 मॉडल खुदरा बिक्री केंद्र को अगले 3 वर्षों के दौरान मुहैया कराई जाएंगी। उर्वरक कंपनियां शहर के कंपोस्ट का सह विपणन भी करेंगी जो रसायन उर्वरता की क्षमता को बढ़ाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित करने के लिए एक नीति भी सरकार द्वारा अनुमोदित हो गई है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जो कि देश की कृषि योग्य भूमि का लगभग 55% है, फसल की उपज बढ़ाने के लिए जैविक खेती का संवर्धन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 2 महत्वपूर्ण स्कीमें शुरू की हैं। पहली परंपरागत कृषि विकास
morass योजना, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष की अवधि में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती की जाएगी। दूसरी सरकार ने मूल्य श्रृंखला आधारित जैविक खेती स्कीम शुरू की है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास कहलाती है। मूल्य वर्धन पर जोर दिया जा रहा है ताकि इन भागों में उगाई जाने वाली जैविक उपज को घरेलू और निर्यात बाजार मिल सके। इन स्कीमों हेतु 412 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दालों के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया गया है। इसमें शामिल किए जिलों की संख्या बढ़ाकर 622 की गई है। 674 कृषि विज्ञान केंद्रों के बीच कुल 50 लाख रुपए की राशि के साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। किसानों की आय के लिए बाजारों की सुलभता बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार एकीकृत कृषि विपणन समिति स्कीम कार्यान्वित किया कर रही है, जिससे साझा ई मार्केट मंच की परिकल्पना की गई है। इसे चुनिंदा 585 विनियमित थोक बाजारों में काम में लाया जाएगा। राज्यों के एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करना ही मंच में शामिल करने की उपेक्षा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले ही 12 राज्यों ने अपने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन कर दिया गया है और इसमें शामिल करने के लिए तैयार है। एकीकृत कृषि विपणन ई मंच इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय पूल भंडार में भंडारण क्षमता में 97 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी की गई है। हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इस तरह कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं की गई। ये स्कीम विगत में वित्त संसाधनों की कमी से ग्रस्त रही है। वर्ष 2012-13 और 13-14 में आवंटन केवल 8,885 करोड़ और 9,805 करोड़ रुपए था। हमने पिछले 2 वर्षों में आवंटन काफी बढ़ाया है और अब 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिस इज ओनली 60% ऑफ द कॉस्ट। ये कुल लग बेयर करेंगे टुगेदर विद द स्टेट शेयर टोटली अबाउट और राज्यों के हिस्से में 16-17 में 27,000 करोड़ इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य 2021 के बजाय अब 2019 किया जाए और 2.23 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके बाकी 65,000 पात्र बस्तियों को जोड़ दिया जाए। तदनुसार निर्माण की प्रगति जो 2011-14 के दौरान औसत 73.4 किलोमीटर की तुलना में इस समय प्रतिदिन 100 किलोमीटर है, उसे काफी हद तक बढ़ाया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के बाद किसानों की सहायता करने के लिए सरकार ने अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि के अंतर्गत सहायता के मानदंडों में संशोधन किए हैं। किसानों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2015-16 में 8.5 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 16-17 में कृषि ऋण के लिए लक्ष्य अब का सबसे अधिक 9 लाख करोड़ रुपए होगा। किसानों पर ऋण अदायगी के भार को कम करने के लिए बजट अनुमान 2016-17 में ब्याज सहायता के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने अति महती और अग्रणी स्कीम अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनुमोदन किया है। इस स्कीम के कारगर कार्यान्वयन के लिए मैंने बजट 2016-17 में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ देश भर के किसानों को मिले। आप चाहे तो बैठकर पढ़ सकते हैं। इसके लिए 2016-17 के तीन पहल हमने की हैं। पहला, शेष राज्यों को विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ऑनलाइन अधिप्राप्ति प्रणाली शुरू की जाएगी। इससे वास्तविक अधिप्राप्ति के पूर्व पंजीकरण और मॉनिटरिंग के जरिए पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को सुविधा होगी। तीसरा, दालों की खरीद के लिए कारगर प्रबंध किए गए हैं।
किसान अपनी पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए अन्य संबंध कार्यकलाप भी करते हैं। किसानों के लिए डेयरी उद्योग को अधिक लाभदायक बनाने के लिए 4 नई परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। पहला पशुधन संजीवनी जो पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसमें पशु स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान है, जिसको नकुल स्वास्थ्य पत्र कहा जाएगा। दूसरा एक उन्नत ब्रीडिंग प्रौद्योगिकी। तीसरा ई पशुधन हॉट का सृजन जो ब्रीडर और किसानों को परस्पर जोड़ने के लिए एक ई मार्केटिंग पोर्टल है। और चौथा देसी प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय जेनोमिक केंद्र। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन आने वाले कुछ वर्षों में 8,050 करोड़ की लागत से किया जाएगा। शहद के उत्पादन में महत्व वृद्धि हो रही है, जो वर्ष 2013-14 के 18 से 20 किलोग्राम प्रति बॉक्स प्रति वर्ष के औसत से बढ़कर वर्ष 2015-16 तक 25 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति बॉक्स हो गई है। देश में शहद का कुल उत्पादन 14-15 के 76,150 मीट्रिक टन से बढ़कर 86,500 मीट्रिक टन हो गया है। अब 90% घरेलू शहद का निर्यात किया जा रहा है। अब मैं आता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों पर। कृषि के बाद अब मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सहायता अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को 2.87 लाख करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये पिछले 5 वर्षों की अवधि की तुलना में 228% की महत्तर वृद्धि है। इस निधि के मौजूदा आवंटन से प्रति ग्राम पंचायत औसतन 80 लाख रुपए से अधिक और प्रति शहरी स्थानीय निकाय 21 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिलेगी। ये अधिक आवंटन गांवों एवं शहरों का कायाकल्प कर सकते हैं। इसे कार्य रूप देने के लिए पंचायती राज राज्यों के साथ कार्य करेगा और दिशा निर्देश तैयार करेगा। सूखा और ग्रामीण आपदा वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इन आपदाग्रस्त क्षेत्रों के प्रत्येक ब्लॉक को दीन दयाल अंत्योदय मिशन के तहत एक विशिष्ट ब्लॉक के रूप में लिया जाएगा। बहुविध आजीविका के प्रोत्साहन के लिए स्व सहायता समूह के गठन की प्रक्रिया तेज की जाएगी। मनरेगा के तहत क्लस्टर सुविधा टीमों का गठन किया जाएगा, जो जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को सुनिश्चित करेंगी। इन जिलों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2016-17 में मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये जो धनराशि है, ये अब तक की सबसे ज्यादा धनराशि खर्च की गई है मनरेगा के अंतर्गत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन, जिसका शुभारंभ हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, के तहत 300 ग्रामीण शहरी क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। ये क्लस्टर किसानों के लिए अवसंरचनाएं, सुविधाएं और बाजार बहुत सुलभ कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास केंद्रों का परिपोषण करेंगे। ये युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे।